हेलो गाइस, तो जो इलेक्ट्रिशियन वाली वीडियो थी कनाडा पे, उस पर इतना सारा प्यार मिला आप लोग का। लगभग 11,000 से भी ज़्यादा लोगों ने वीडियो को देखे अभी के टाइम पे, और कई लोगों ने अलग अलग कमेंट किए। बट मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े जिन्होंने किए थे कि भाई आप इलेक्ट्रिशियन हेल्पर के बारे में भी कुछ बताओ कि अगर कनाडा में एज इलेक्ट्रिशियन हेल्पर हमको काम करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको बता दूँ ये बेसिकली क्या होता है। अगर आपने बेसिकली इलेक्ट्रिशियन से एज RTI कोर्स नहीं किया हुआ है या फिर कोई प्रोफेशनली काम भी नहीं सीखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं उनके साथ में रह करके एज एन हेल्पर वर्क कर सकते हो। इसका दो बेनिफिट होता है। पहला होता है कि आपको ज्यादा कोर्सेज में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। आपका क्या होता है, थोड़े समय में अगर आप काम सीख जाते हो तो एज ए इलेक्ट्रिशियन भी आप काम कर सकते हो। और एक और बेनिफिट होता है कि आपको काम सीखने के भी पैसे मिलते हैं। बट इसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंट है, वो आपको जरूरत पड़ेगी। पहले मैं वो शेयर कर देता हूँ, फिर मैं सैलरी बता दूंगा ऑनलाइन इलेक्ट्रिशियन हेल्पर आप कितना तक अर्न कर सकते हो। मैं आपको बता दूँ ये काम है बेसिकली, इसके लिए कोई आपको वर्क वीजा स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा। आप ये काम स्टूडेंट वीजा पे आराम से कर सकते हो। उसमें भी कंडीशन है कि 1 वीक में आप लगभग 20 आवर तक मैक्सिमम वर्क कर सकते हो। अगर आपके सेमेस्टर ब्रेक या फिर हॉलीडेज रही है तो उसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि क्या होता है, क्लास भी अटेंड करना काफी जरूरी होता है और अटेंडेंस काफी इंपॉर्टेंट होता है फॉरेन एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना। अब बात करते हैं इसकी रिक्वायरमेंट के बारे में। तो आइए कुछ डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ जो आपको जरूरत पड़ेगी, फिर मैं सैलरी बता। देखो पहला है बेसिकली आप लोग का वैलिड पासपोर्ट, आपके पास होगा ही नहीं है तो बनवा लो फटाफट। सेकेंड है आपकी क्वालिफिकेशन कॉपी। थर्ड है बेसिकली आप लोग का मेडिकल सर्टिफिकेट, जो कोरोना के बाद थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो चुका है तो मेडिकल पर काफी ध्यान देना। देखो इसके लिए प्रूफ ऑफ फंड की काफ़ी जरूरत पड़ती है। आपको अपने बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है। आपको जितने दिनों के लिए आप स्टे करोगे कनाडा में उतने दिनों के बाद आपके पैसे हैं या नहीं, फाइनेंशियल सफिशियंट फाइनेंशियल मीन का भी एक प्रूफ देना पड़ता है आप लोगों को, ठीक है। IELTS भी काफ़ी जरूरी है कॉलेजेस के लिए, तो IELTS पर भी काफ़ी ध्यान देना, काफ़ी कंपल्सरी IELTS। और आप लोग का जो भी पासपोर्ट है, अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपके लिए आपका हेल्थ ट्रेवल इंश्योरेंस काफ़ी जरूरी है, तो ये भी चीज़ ध्यान देना। देखो इसकी ऑन एन एवरेज सैलरी की बात करें हेल्पर पे, तो आप लगभग 14 to 20 डॉलर कैनेडियन डॉलर पर आवर आराम से अर्न कर सकते हो। तो हैव एन एजुकेशन, लोग कोई डाउट कमेंट करो। बाय बाय, कुछ छूटा नहीं है।